सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आदि एडिटिंग जोन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको इस टाइप की फोटो एडिटिंग दिखाने वाला हूँ पिक्सार एप्लीकेशन के मदद से। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो कर लेते हैं बिना टाइम पास के स्टार्ट। तो गाइज, हम इस बैकग्राउंड को पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिए। अगर आपके फोन में पिक्सार एप्लीकेशन नहीं तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो वाले आइकन पे और अपना मॉडल इमेज हम ऐड कर लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा मॉडल इमेज, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर दिए हैं पहले से। तो अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज, हम इसको इस प्रकार ऐसे एडजस्टमेंट कर देंगे, यहाँ एडजस्टमेंट कर देंगे इसको, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे और यहाँ से ऐसे डन कर देंगे। यहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स ऐड फोटो आइकन पे और अपना PNG हम ऐड कर लेंगे। तो जितना PNG यूज करेंगे सारे PNG का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले तो इस वाले PNG को हम ऐड करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़ा भी मिस करेंगे वीडियो को तो आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ से ऐड फोटो पे जाएंगे फ्रेंड्स और अपना एक और हम PNG ऐड कर लेंगे। आपको ध्यान देना फ्रेंड्स कौन सा PNG हम कब ऐड कर रहे हैं और कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस वाले PNG को हम ऐड करेंगे और एक PNG ऐड करेंगे, जैसे एक ये रहा फ्रेंड्स तिलक, महादेव का तिलक रहा। तो सबसे पहले इस वाले PNG को हम यहाँ पे ऐसे छोटा करके ऐसे ऐड करके ओपेसिटी इसका हल्का कम कर देंगे, तो 66 कर देंगे ओपेसिटी। और इसको फ्रेंड्स ऐसे हम इसे ऐड कर देंगे, फोटो को थोड़ा जूम करके और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसे यहाँ से ऐसे टर्न कर देंगे। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का हो गया मॉडल इमेज, कितना सुंदर दिखने लगा ये तिलक से। तो गाइस, हम ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना एक और PNG ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, तभी आप ऐसे एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स इस वाले PNG को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इसको फ्रेंड्स नीचे के साइड में ऐसे बड़ा करके इसको ऐसे हम कर लेंगे और यहाँ से ऐसे टर्न कर देंगे और जाएंगे ऐड फोटो पे फ्रेंड्स और अपने महादेव का एक टेक्स्ट PNG हम ऐड कर लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा महादेव का टेक्स्ट PNG, कहाँ गया भाई कहाँ गया, ये रहा फ्रेंड्स और एक और रहा। उसके बाद इस वाले PNG को हम ऐड करेंगे। तो गाइस, आपको ध्यान देना है कौन सा PNG हम कब ऐड करना है। तो इसको फ्रेंड्स नीचे के टाइम साइड में ऐसे बड़ा कर लेंगे PNG को और ऐसे महादेव को ऐसे हम एडजस्टमेंट करके ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा साइज में बड़ा करके और इसका ब्लेंडिंग मोड फ्रेंड्स चेंज कर देंगे। तो मल्टीपल कर देंगे यहाँ से ब्लेंड वाले आइकन पर जाने के बाद, यहाँ से मल्टीपल नहीं फ्रेंड्स स्क्रीन कर देंगे और यहाँ से इरेज वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रेंड्स बॉडी पार्ट से इरेज कर लेंगे। तो ऐसे बॉडी पार्ट से फ्रेंड्स हम इरेज कर लेते हैं इसे जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, हम बॉडी पार्ट से इरेज कर लिए, इसको ऐसे डन कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा मॉडल इमेज पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर एडिट हो गया। फ्रेंड्स, इस फोटो को हम कर लेंगे सेव। तो ड्रॉ वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव इमेज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस फोटो को नेक्स्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो गाइस, हम इस फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिए। तो यहाँ से हम टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 3 इमेज को सिलेक्ट करेंगे और अपना थोड़ा कलर का मैनेजमेंट कर लेंगे। तो ब्राइटनेस का फ्रेंड्स हल्का माइनस कर देंगे, तो ब्राइटनेस 8 कर देंगे और कंट्रास्ट को कर देंगे फ्रेंड्स हल्का माइनस, तो कंट्रास्ट को भी हम कर देंगे -9। यहाँ से जाएंगे सैचुरेशन पे और इसको हल्का इंक्रीज कर देंगे, तो इसको +7 कर देंगे फ्रेंड्स और जाएंगे एम्बिनेंस पे और इसका एम्बिनेंस कर देंगे +30 के आसपास, +30 कर देंगे फ्रेंड्स 31। और जाएंगे फ्रेंड्स हाईलाइट्स पे, हाईलाइट्स हल्का माइनस कर देंगे तो -5 के आसपास कर देंगे, -4 कर देंगे। और शैडो को कर देंगे फ्रेंड्स प्लस, तो शैडो को हम कर देंगे 31 के आसपास प्लस कर देंगे और वम्थ को हल्का माइनस कर देंगे तो वम्थ को -2 कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से ऐसे डन कर देंगे तो देखिए थोड़ा इफेक्ट डिफरेंस बिफोर और आफ्टर, थोड़ा कलर इफेक्ट आ गया। टूल्स वाले आइकन में जाएंगे फ्रेंड्स और यहाँ से जाएंगे डिटेल्स पे और थोड़ा स्ट्रक्चर को प्लस कर देंगे, तो स्ट्रक्चर को हम 35 के आसपास रखेंगे फ्रेंड्स और यहाँ से प्लस कर देंगे। जाएंगे टूल्स वाले आइकन में फ्रेंड्स, यहाँ से जाएंगे सिलेक्टिव पे और थोड़ा हैंड को ऐसे करके थोड़ा हैंड पे हम ब्राइटनेस इंक्रीज कर देंगे कि थोड़ा हैंड भी पूरा दिखे और इसका सैचुरेशन हम माइनस कर देंगे ऐसे और थोड़ा नीचे के साइड में हैंड को ऐसे रख के और इसका ब्राइटनेस कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से इंक्रीज +30 के आसपास और सैचुरेशन को कर देंगे -6 के आसपास, ऐसे डन कर देंगे। तो यहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स टूल्स वाले आइकन पे और जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ से हम पोर्ट्रेट पे और पोर्ट्रेट पे जाने का फ्रेंड्स यहाँ से 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्किन स्मूथ को कर देंगे फ्रेंड्स 100 और यहाँ से फेस स्पॉट लाइट को यहाँ से +30 कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से और यहाँ से ऐसे डन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फोटो कुछ इस प्रकार का एडिट हो गया स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए कितना फोटो स्मूथ एडिट हुआ है बिफोर और आफ्टर। देखिए कुछ इस प्रकार का एडिट हो गया बिफोर
आफ्टर। तो फ्रेंड्स फोटो को हम कर लेंगे सेव, तो इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा फोटो सेव हो गया। तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ इसी प्रकार के हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ इसी प्रकार के हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।